जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आइए जानिए। तो दोस्तों, कुछ मंत्रों ऐसे होते हैं कि आप उसे सही समय पर प्रयोग करेंगे तो उसका असर जरूर देखने को मिलती है। मैं बस आपको ऐसा ही एक शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग करने मात्र ही आपके रात को सोने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अधिकांश लोगों के नींद के समय बुरे सपने जरूर आते होंगे और बुरे सपने देखने के बाद किसी को भी जल्दी नींद नहीं आएगी, इसलिए आपको बुरे सपने से दूर रहना चाहिए। तो कैसे हम वह बुरे सपने से दूर रहेंगे, आइए जानते हैं वह कौन सा मंत्र पढ़ने से हमारे नींद अच्छी होगी। सोने से पहले इस मंत्र का जाप करने से कोई भी व्यक्ति के बुरे सपने से लेकर मन के डर सब खत्म हो जाता है। जब इंसान नींद में होते हैं तो कोई भी चीज का आभास नहीं होता। सोने के बाद इंसान के आत्मा से एक ऊर्जा जन्म लेती है जहां इधर उधर चलते फिरते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति के नींद में बुरे सपने आते हैं और अच्छे सपने भी आते हैं। जैसे पहले युग में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग एक जगह पर ध्यान में बैठ के आँख बंद करके अपने शरीर से आत्मा की एक ऊर्जा पैदा करते थे जो इस पृथ्वी के चारों ओर क्षण भर में घूम के आने में असमर्थ थे। उनके शरीर के भीतर उस वक्त इतनी शक्ति होता था कि अभी के यह सब बात सुनने में किसी को विश्वास नहीं होगी। यदि आप चाहेंगे तो एक जगह पर बैठकर अपने शरीर से मंत्र जाप करके ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। जो व्यक्ति रात में सोने से बुरे सपने देखते हैं, उनके लिए खास तौर पर मंत्र बोल के सोना अच्छा है। उनके लिए नींद अच्छी होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। रात को सोने से पहले मंत्र बोलने से बुरी आत्मा उनके नजदीक आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपना शरीर को उस मंत्रों के जरिए बांध लेते हैं जिससे किसी भी तरह बुरे आत्मा उनके नजदीक नहीं आ पाते हैं। वर्तमान युग परिवर्तन हो चुका है, यहाँ अभी पापियों का खेल ज्यादा चलता है। कुछ लोग मंत्र तंत्र का ध्यान नहीं देते हैं और ना ही इसे विश्वास करते हैं। अभी भी मंत्र यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कर ले तो उनके लिए पहले युग की तरह ही चमत्कारी सिद्ध होंगे, मगर युग परिवर्तन से कुछ मंत्रों तंत्रों विफल हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि अभी पापियों का युग चल रहा है, आपको वह मंत्र सिद्ध होने नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए आपको चिंता करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। मैं जो मंत्र देने जा रहा हूँ इसे आपको सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। जानिए सोने के पहले कौन सा मंत्र जाप करना है। इस मंत्रों का 11 बार जप करके 11 बार हाथ में तालियां देकर आराम से सो जाइए। यह भगवान विष्णु मंत्र आपके नींद के समय कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और न ही कोई बुरे सपने। तो दोस्तों, इस मंत्रों के चमत्कार यह हैं कि आप रात को सोने के बाद जो भी सपने देखेंगे वह कुछ ही दिनों के अंदर सच हो जाता है, लेकिन आपको बुरे सपने कभी नहीं आएंगे। जो भी सपने आएंगे आपके लिए अच्छे ही आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।